तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण और आप देख रहे हो चैनल द सोर्स ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 7, द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से इस वीडियो की, रिफॉर्मेशन इन द क्रिश्चियनिटी, मतलब जो क्या क्रिश्चियनिटी में चेंजेस है ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड। तो रीज़न क्या था कि ये क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशन ये मूवमेंट स्टार्ट है, मेन रीज़न माना जाता है कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो सेंटर बन गई थी करप्ट का, मतलब करप्शन को ज़्यादा होने लगी थी और जो प्रिस्ट थे वो इमोरल लाइफ जीना स्टार्ट कर दी थी और जो चर्च और प्रिस्ट के लोग थे वो हंग्री थे पैसे के और पावर के। और सबसे मेन रीज़न जिसके बाद ये रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुए वो था चर्च के लोगों ने सेल करना शुरू किया इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता था कि जो लोग इसको पैसे के बदले चर्च से खरीदेगा उसके जितने भी सिंस या दूसरे शब्दों में इसको पाप कह सकते हैं वो सारे गॉड उनके माफ़ कर देगा। और ये जो इलॉजिकल बात थी एक तरह की, मगर लोग इस पर विश्वास कर रहे थे। और जो मार्टिन ल्यूथर था वो सबसे पहले आए और इन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट किया। और मार्टिन ल्यूथर ने वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। इन्होंने 99 कुछ थेसिस या आप पोस्टर कह सकते हो उन्होंने वॉल्स ऑफ चर्च पे चिपकाए और उन्होंने पोप से क्वेश्चन पूछे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और अन्य चीज़ें। और इसके वजह से सिविल वॉर भी हुआ और जो जर्मन का किंग थे उसने भी ल्यूथर का साथ भी दिया और कुछ जो कंट्रीज थी लाइक ब्रिटेन वो अलग हो गई इटली से या रोमन चर्चिस से। और इसके वजह से क्रिश्चियनिटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, कैथोलिक जो ये मूर्तियों में विश्वास करते थे या इंटेलिजेंस पेपर डॉक्यूमेंट आप कुछ भी मान लो, और प्रोटेस्टेंट जो इसके खिलाफ थे। और बाद में कैवलिन भी आए, उन्होंने मार्टिन ल्यूथर का साथ दिया। ये मार्टिन ल्यूथर सर की फोटो है। अब बात करते हैं हम प्रिंटिंग कल्चर के बारे में। तो पहले क्या हुआ करता, जो इटली थी वो पेंटिंग के लिए और ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिए माना जाता था। कंट्रीज़ को मान ले वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स या दूसरी कंट्रीज़ को वो बिल्डिंग्स या पेंटिंग देखनी होती थी तो उनको ट्रैवल करना होता था इटली तक, मगर जो बुक का केस था वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती थी। और सबसे पहले जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई वो गुटेनबर्ग द्वारा बनाई गई 1455 के अंदर, और उन्होंने पहले ईयर में 150 बाइबल भी छापी थी। और मार्को पोलो पहले इंसान थे जो चाइना से प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में लेके आए, और इसके वजह से यूरोप में नॉलेज जल्दी फैली प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, क्योंकि बुक जल्दी छपने लगी। और पहले लोगों को जो स्टूडेंट्स होते थे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे उनको पहले क्लास नोट पर डिपेंड होता था, मगर अब से वह बुक भी पढ़ सकते थे। ये गुटेनबर्ग की तस्वीर है और ये पहली प्रिंटिंग प्रेस की। अब एस्पिरेशन ऑफ वूमेंस, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम रेनेसेंस में वूमेंस की क्या कंडीशन थी उसके बारे में हम जानेंगे। जो मैन थे अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में, अरिस्टोक्रेटिक मतलब जो अमीर लोग थे, उसके अंदर जो मैंस थे वो डिसीजन मेकर होते थे, उनके जो कहते उनके हिसाब से सब कुछ घर में चलता था और वो अपने लड़कों को केवल एजुकेट करते थे क्योंकि वो आगे जाके उनका फैमिली बिजनेस संभालता था। और जो डोरी जो मैरिज के दौरान मिलती थी वो फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए केवल यूज़ होती थी। और जो वुमेंस थी वो कुछ खास मेजर रोल प्ले नहीं करती थी, मगर जो मिडिल क्लास की जो वुमेंस थी उनका योगदान होता था शॉप्स के अंदर, अगर जब उनके हस्बैंड घर से बाहर गए हों। और ये कुछ थे चेंजेस, कुछ चेंजेस भी आए, कुछ ने अपनी आवाज़ भी उठाई, मगर कुछ खास चेंजेस आई नहीं जिसकी वजह से जो वुमेन की कंडीशन थी ड्यूरिंग रेनेसेंस वो अच्छी नहीं थी। अब पॉलिटिक्स एंड रेनेसेंस, कि पॉलिटिक्स का क्या चक्कर था रेनेसेंस पीरियड के दौरान। जो पॉलिटिक्स मेजर रोल करती है सोसाइटी में जैसे आप जानते भी होंगे, और यही पॉलिटिक्स रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करती है पास्ट के बारे में जानने के लिए। और जो मैकविली आए उन्होंने प्ले किया मेजर रोल चेंजिंग इन पॉलिटिक्स ने, उन्होंने एक बुक भी लिखी प्रिंस इन 1513, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग सेपरेट किया। इनका मानना था कि एंड वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन मीन्स, कि एंड जो है जो लास्ट में है वो अच्छा होना चाहिए ना कि तरीके। और जो हमारे जो महात्मा गांधी सर थे उनका मानना था कि हमारे तरीके अच्छे होने चाहिए, एंड मायने नहीं देता कि अच्छा हो ना हो। 6 पॉइंट, ही एडवाइज द रूलर टू बिकम और टू बिहेव लाइक रेथलेसली टू अचीव हिज गोल। इनका मानना दूसरा भी ये भी था कि एक राजा को लॉयन और वुल्फ होना चाहिए, लॉयन ताकतवर के तौर पे, वुल्फ चलाक के तौर पे।
अब हम बात करेंगे क्या उस पीरियड में असल में रेनेसांस हुआ भी था, मतलब 14 टू 17 सेंचुरी के बीच में कोई रेनेसांस को चीज़ नामक चीज़ हुई भी थी या सब कुछ ही वैसी है। तो इसके दो डिफरेंट व्यूज़ हैं, कोई लोग कहते हैं हाँ, कोई कहते हैं ना। तो पहले हम जानते हैं यस, जो कहते हैं रेनेसांस उस पीरियड में हुई थी। पहली, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए यूरोपियन के लाइफ के अंदर, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली और जो ग्रीक और जो रोमन जो कल्चर था वो वापस रीबॉर्न हुआ, और जो पहले जो रिस्ट्रिक्शन थे लाइक फ्यूडल बॉन्ड्स वो 14 सेंचुरी तक खत्म हो चुके थे और डेवलपमेंट हुआ आर्ट, आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स का। अब हम बात करेंगे नौ के बारे में, जो कहते हैं रेनेसेंस उस पीरियड में नहीं हुआ था। पहला पॉइंट और जो मेन पॉइंट माना जाएगा कि वो रेनेसेंस केवल इटली शहर में हुआ था, बाहर किसी यूरोप की कंट्रीज में नहीं हुआ था। और लोगों का यह मानना है कि कभी, या आप साइंटिस्ट का मेन ये कहते हैं कि कभी भी एक चेंज थोड़े समय में कभी भी पॉसिबल नहीं होता, उसकी नींव बहुत पहले शुरू हो जाती है। और जो उनका मेन जो तथ्य उन्हें फैक्ट्स दिए थे, उनका कहना था 11th सेंचुरी से चेंजेस स्टार्ट हो गए थे इटली में। अब कॉजेस क्या थे रेनेसेंस के इटली में या यूरोप के अंदर? मेन था क्रूसेड, होली वॉर बिटवीन द क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स। उसके अंदर जब क्रिश्चियनिटी हारा, उनको अपनी खुद की बैकवर्ड का रियलाइज हुआ और उन्हें खुद को डेवलप करना शुरू किया। और क्रूसेड से दूसरा हेल्प उनको ये मिला, उनका ट्रेड इंक्रीज हो गया अरब की कंट्रीज के साथ। और जब उन्होंने नया सी रूट ढूंढा अमेरिका के साथ, उनको थोड़ा और प्रोस्पेरस और इकोनॉमिक में कुछ अच्छा या एक ठोस बनने का मौका मिला। कंपास और गनपाउडर भी एक इन्वेंशन की हेल्प और रेनेसेंस के अंदर। और जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिपल, मैं बता देता हूँ चैप्टर जो रोमन कल्चर था, 3rd-4th चैप्टर है आपकी इस बुक का, उसमें बताया गया था जो कॉन्स्टेंटिपल जो राजा था उसने अपने नाम से कैपिटल बनाई कॉन्स्टेंटिपल, और उसमें ज़्यादातर मेनली जो उसके जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो वहाँ पर रहा करते थे। मगर जब मुस्लिम ने जब उन पर अटैक किया तो वो सारे ग्रीक स्कॉलर्स भाग के इटली पहुँच गए थे। इसलिए भी एक कोस माना जाता है कि इटली में सबसे पहले रेनेसेंस हुआ। और लास्ट कारण है, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हो चुका था। अब हम बात करेंगे द रीडिंग इन द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो हम इसको स्टार्ट करते एक जो एक बात कही गई थी गैलीलियो के द्वारा, उन्होंने कहा था कि बाइबल हमें सिखाता है कि हेवन में कैसे जाए, मगर ये नहीं सिखाता कि हेवन किस तरह वर्क करता है। तो इस समय ये पता लगता है कि थिंकर्स केवल बातें नहीं बताते थे, इन्वेंशन नहीं देते थे, उसके बारे में समझाते थे, उसको डेवलप भी करते थे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ये इसके बारे में लेक्चर भी दिए गए पेरिस के अंदर, एक यूनिवर्सिटी भी स्पेशल इसके लिए बनाई गई। और जो मेन सब्जेक्ट उस वक्त पढ़े जाते थे यूनिवर्सिटीज़ में वो थी सबसे मेन लीगल, फिर साइंस थी, फिर आर्ट थी। तो ये हमारी टोटल ये चार पांच हमारे टॉपिक्स थे। हमारी ये वीडियो एंड होती है इस चैप्टर के बारे में, या अलग पार्ट 3 आता है इसका तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में होगी, मगर मैंने जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं पार्ट 2 के अंदर। तो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।